लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन आगे की प्लानिंग करने में जुट गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को इंडिया ब्लॉक के घटक दलों की दिल्ली में बैठक बुलाई है। गठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने बैठक में आने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। हालांकि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का प्रतिनिधि भेजने का फैसला कर लिया है। इस बैठक में क्या क्या होगा, किस मुद्दे पर चर्चा होगी, बैठक का क्या एजेंडा होगा, इस बारे में खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को बताया था। प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका चयन हो गया है या कितने दिन में हो जाएगा? वंस द मैंडेट कम्स। नहीं, आप जो पूछ रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारा गठबंधन रहने के वजह से हम ये डायरेक्टली फलाना होगा, एक्स होगा, वाई होगा नहीं कह सकते। हम सबको बुलाएंगे, सबका राय लेंगे और जो गठबंधन के लोग कहेंगे उस आधार पर वो बनेगा। नेचुरली उस वक्त ये प्रधानमंत्री का तय होगा। और आप जानते हैं इसका पिछले का भी, जब यूपीए 192 बना तब सोनिया गांधी जी को सभी यूपीए के लोग मिलके बोले कि आप प्रधानमंत्री बनो, तब उन्होंने नहीं बना, उन्होंने कहा कि मैं मनमोहन सिंह जी को बनाना चाहती हूँ तो बनाए। तो इसीलिए हमारे पास सब तरीके के, यानी सबको लेके जाने का हमारा जो मकसद है वो ठीक हो जाएगा। 1 तारीख की मीटिंग है, ये तो इनफॉर्मल मीटिंग है। हम काउंटिंग के दिन क्या क्या स्टेप्स लेना और क्या क्या करना इसके बारे में सोच रहे हैं, दूसरे किसी चीज के ऊपर मीटिंग नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन की ये बैठक चुनावी नतीजों के बाद की परिस्थितियों को लेकर हो रही है। इस बैठक में चुनाव के बाद नए पार्टनर को गठबंधन में लाने के रोडमैप पर चर्चा होगी। बैठक से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है, लोकसभा चुनाव 2024 में जीत मिलने के बाद इंडिया गठबंधन 48 घंटों के अंदर अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय कर लेगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन में पीएम के नाम पर सहमति बनाने से ज्यादा नए छत्रपों को साथ लाने की जरूरत है, ताकि सरकार बनाने वाली स्थिति बनती है तो फिर नंबर गेम में पीछे ना रह जाए। विपक्षी दलों को लग रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए इस बार बहुमत से दूर रहेगी और इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में होगी। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार भी मान रहे हैं कि इस बार के चुनाव में उन्हें उम्मीद से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला है और 2004 की तरह सरकार बनाने वाली स्थिति उनकी बन सकती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की नज़र उन दलों पर है जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा एनडीए में शामिल दलों को भी साधने की कवायद हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी, तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बीआरएस, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बीजेडी, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, पंजाब में सुखबीर सिंह बादल की अकाली दल और हरियाणा की जेजेपी और आईएनएलडी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा तमिलनाडु की एआईएडीएमके और बीएसपी ने भी अकेले चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी भी भले ही इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर अलग हो गई हों, लेकिन 1 जून की बैठक में अपना प्रतिनिधि भेजने का फैसला करके उन्होंने बड़े संकेत दिए हैं। कांग्रेस की एक इमेज सी बन गई है। फैसला लेने के मामले में सुस्त पार्टी, इंडिया ब्लॉक के जेडीयू के रहते समय नीतीश कुमार मध्य प्रदेश राजस्थान समेत राज्यों के चुनाव के समय कोई बैठक नहीं बुलाए जाने को लेकर कांग्रेस को घेरते रहे। सीट शेयरिंग के मामले में सुस्त चाल पर सवाल उठाते रहे। कांग्रेस चुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख करीब आने तक महाराष्ट्र से बिहार तक की सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों में बैठकों का दौर चलता रहा। चुनाव संपन्न होते होते कांग्रेस की बैठक बुला लेना सुस्त चाल वाली इमेज तोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस की मेजबानी में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, एमके स्टालिन, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे अभी देश से बाहर हैं, जिसके कारण उनकी जगह पार्टी का प्रतिनिधि शिरकत करेगा।
इसके अलावा इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दूसरे नेता भी इसमें हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी और केसरी वेणुगोपाल समेत कुछ वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा जब चुनाव के नतीजे से पहले ऐसी बैठक बुलाई जा रही है। इससे पहले भी 2019 के आम चुनाव के बाद और नतीजों से पहले कांग्रेस के तब के अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी अध्यक्षता में ऐसी ही बैठक बुलाई थी। तब कांग्रेस में रहे और बीजेपी में शामिल हो चुके कई नेताओं ने बताया कि उस बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर यूपीए सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस के पास रहेगा, वहीं गृह मंत्रालय डीएमके के पास रहेगा और एमके स्टालिन देश के गृह मंत्री बनेंगे।